हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारी इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब 3x + 4y = 10। देखिए आप यहाँ पे y कोफिशेंट माइनस टू और यहाँ पे y का कोफिशेंट है 4। तो हम अगर सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y कोफिशेंट सेम हो जाएगा। तो 3x + 4y = 10 और 2 × 4x - 4y = 4। हो गया 7x, ये हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू 10 और 4 = 14। 7x आ गया 14, x आ गया हमारा 14/7 = 2। x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 2। अब x की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, 2 × 2 - 2y = 2। -2y = 2 - 4 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/2 यानी कि 1। सो y आ गया हमारा 1 और x आ गया 2।